चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रांची का ना सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ना पोटा लीवर बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों स्ट्रीट फूड में ना आप देख सकते हैं मेरे पीछे ना यहाँ पे एक फूड कार्ट लगी हुई है जहाँ पे ना पोटा लीवर और चिली चिकन, जी हाँ दोस्तों, ये बनाया जा रहा है। पोटा लीवर में खाने स्पेशली आए क्योंकि चिली चिकन तो हम हर जगह खाते रहते हैं, पोटा लीवर में बहुत कम मिलता है खाने को। तो आइए रांची में जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके का, भैया से बात करते हैं और स्वाद लेके देखते हैं बेसिकली यहाँ जो पोटा लीवर मिलता है ना, क्योंकि ये ना हल्के से ग्रेवी के अंदर बनाया जाता है, तो देखते हैं किस तरीके का है। आ जाओ। तो लीजिए दोस्तों, अभी हमारा जो मसाला है वो तैयार होना शुरू हो गया है। किस चीज़ का मसाला बन रहा है ये सारा चीज़ का? वो चिकन चिल्ली कॉमन मसाला होता है, कॉमन मसाला जो बनता है। अच्छा, तो सबसे पहले ले लिया गया है लहसुन, मसाला बनना तैयार है। अब डाला गया दोस्तों इस पर हरी मिर्च, देख सकते हो दोस्तों क्या गजब ह्यूज क्वांटिटी में ना इसमें हरी मिर्च डाली गई है, आप देख रहे हो। तो ये हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया जाता है, ये देखो। अब आ गया दोस्तों इसके ऊपर से देखिए प्याज, क्या प्याज को ना स्लाइस में काट लिया गया है अच्छे से और उसके बाद इसे डाल दिया गया। ऊपर से नमक, ये नमक, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, दोनों पड़ते हैं। हाँ, इसमें दोनों का पेस्ट बना हुआ है। ये गया थोड़ा सा पानी, हाँ ये पानी थोड़ा जल्दी गल जाता है प्याज। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसमें अजीनोमोटो भी नहीं डालते हैं। अच्छा। अजीनोमोटो हो गया या सोया सॉस या विनीगर, ये सब यूज नहीं करते। इसको गलाने के लिए नमक काफ़ी है, ऊपर से गर्मी देता है तो वो क्या बोलते हैं आधी लहसुन का जो पेस्ट होता है ना उससे गर्मी से बहुत जल्द गल जाता है। और देख सकते हो दोस्तों ये जो पूरा जो तवा है ना भैया ने ऊपर तक भर दिया है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये भैया चलाएंगे कैसे, वो देखना बड़ा लाजवाब है। देखते हैं उसको, वो देखना ज़रूरी है कि भैया ना पूरे तवे को किस तरीके से मतलब प्याज को हमारे चलाएंगे, क्या बात है। ये देखो ये अभी बहुत ऊँचा भरा हुआ है, अभी धीरे धीरे गल के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, गलने जैसे जैसे गलेगा और नीचे आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, देखो इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस, आप देख रहे हो किस तरीके से भैया ने इसको डाल दिया है और धीरे धीरे ना ये गल गल के ना थोड़ा सा। ये प्याज 8 किलो प्याज है, 8 किलो, हाँ ऐसा दो बार बनाना पड़ता है। अच्छा, बना के रखते नहीं है, बना के रखने से थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा अंतर आ जाता है और तुरंत बनाया हुआ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों शुरुआत हो चुकी है हमारे पोटे और लीवर को ना कटिंग करने की, तो छोटे छोटे पीसेस में ना उनको काट दिया जाता है। ये देखिए किस तरीके से भैया यहाँ पे काट रहे हैं और एक पतीले के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। तो भैया कितना केजी तक बनता है यहाँ पे टोटल? जैसा मिल जाए 25 किलो 30 किलो पोट लीवर मिल जाता है। अच्छा जी दोस्तों, आप देख भी सकते हैं जैसे चिकन होता है ना उसमें लीवर भी एक पीस भी होता है ना, जो पोट के लिए जी होता है, पोटा भी एक ही होता है, तो वो बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, मतलब वो जगह से कलेक्ट करके इकट्ठा किया जाता है, वो 1 kg 2 kg 5 kg जहाँ जैसा मिले वैसा इकट्ठा। चार पाँच जगह से लेते हैं? हाँ, चार पाँच जगह से, एक जगह से मिल नहीं पाता उतना, एक जगह से उतना नहीं मिल पाता। ये है गोलकी पाउडर, ये देखिए काली मिर्च, काली मिर्च और ये रहा जीरा पाउडर, सारा MGH का है। ये हो गया गरम मसाला और ये हो गया चिकन मसाला। चिकन मसाला और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए इनके ना मैरिनेशन भी की जा रही है, जो पोट कलेजी है ना उसको कोटिंग करनी पड़ेगी, उससे पकौड़े पहले बनते हैं। कॉर्नफ्लावर हल्का सा डालना पड़ता है, इसको कोटिंग नहीं करेंगे तो फिर काला पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा, तो उसको अच्छे से पहले कोट करके ना फिर फ्राई किया जाएगा। ये देखो एकदम हल्का में, हाँ तो इसमें कॉर्नफ्लावर और नमक डाला है, हाँ बस नमक डाला है, कॉर्नफ्लावर नमक डाल के देखिए इसको ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हल्की सी कोटिंग हो जाए, अदरवाइज क्या है ना जब लीवर फ्राई करते हैं तो लीवर जो होता है ना वो काला हो जाएगा। और अभी देखिए वहाँ पे लीवर जो है वो फ्राई करने के लिए जा चुका है, तो ये देखिए यहाँ पे ना लीवर जो है वो फ्राई कर रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, गर्मा गर्म तेल में ना पोटा और लीवर डाल दिया गया है, तो ये हो जाएगा अच्छे से फ्राई और उसके बाद हमारी जो ग्रेवी है वो यहाँ तवे पे तैयार हो रही है, तो दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर पकाया जाएगा। देख सकते हो दोस्तों धीरे धीरे जो है ना वो प्याज गलना शुरू हो गया और हमारा जो मसाला है वो तैयार हो रहा है, देख रहे हो अब धीरे धीरे इसका जो कलर है, क्योंकि मसाले डाले थे हर तरीके के तो वो भी डल गए
आप देखिए क्या बढ़िया तरीके की हमारी जो ग्रेवी है वो रेडी होने वाली है धीरे धीरे आप देखिए। और जो प्याज की क्वांटिटी पहले जो बहुत ज़्यादा लग रही थी ना, आप तवे पे देखिए कितनी सी रहेगी, क्योंकि जो प्याज है ना वो अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हमारी जो ग्रेवी है दोस्तों वो देखिए तैयार हो गई है। अब इसको ना निकाला जा रहा है, इसको निकाल के ना अलग से प्लेट में रख लिया जाएगा। ये देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म जो हमारी ग्रेवी है वो अभी तो मेरे ख्याल से आधी की या आधी थोड़ा कुक की होगी, क्योंकि दोबारा जब चिकन डालेंगे और लीवर डालेंगे फिर से फ्राई होता है, फिर से फ्राई होगा। तो ये हाफ कुक कर ली गई है, और उसके बाद जब हमारा जब ये लीवर जो है वो तैयार हो जाएगा ना यहाँ से, तो फिर इसको वापस इसको कुक किया जाएगा तवे के ऊपर डाल। देखिए दोस्तों धीरे धीरे हमारी जो कलेजी है ना जो फ्राई करने के लिए डाली गई थी वो भी कढ़ाई में अच्छे से देखिए फ्राई हो रही है। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं मुकेश जी जो कि ना ये स्टॉल को रन करते हैं, साथ ही साथ इनकी दुकान भी है पीछे जो कि माही फूड्स के नाम से है, आप देख सकते हैं। तो भैया कब से आपने ये लगाना शुरू किया है? ये मैंने करीब 17 से 18 साल हो गए। 17-18 साल से? और मतलब कैसे आया कि मतलब खट्टा लीवर और चिकन इस तरीके से दिया जाए लोगों को खिलाया जाए? पहले मिलता था बहुत जगह पर उस टाइप से नहीं मिलता था, नया मतलब ताज़ा यहाँ पे फ्राई करके बेचना वैसा पसंद करेंगे लोग। तो धीरे धीरे रिस्पांस अच्छा मिला। तो मतलब दो ही आइटम आप यहाँ पे रखते हैं इस स्टॉल पे? चिकन चिल्ली, चिल्ली चिकन नेचुरल तरीके से बनते हैं, उसमें चिल्ली का बिल्कुल अलग स्वाद आएगा उसमें, इसलिए थोड़ा देसी स्टाइल में स्वाद आएगा उसमें। अच्छा। अजीनोमोटो हो गया, सोया सॉस हो गया या विनेगर हो गया, ये सब यूज नहीं करता। अच्छा, ये डालते ही नहीं है? डालते मतलब चाइनीज आइटम में यही नहीं जाता है ना? क्या बात है दोस्तों, चाइनीज आइटम में अगर चिल्ली हो गया, अच्छा वो मतलब अपने देसी स्टाइल का हो गया। देसी स्टाइल। और ऐसा ही आप बनाते हैं अपना चिकन और लीवर और पोटा? हाँ। ना तो वो दोनों का स्टाइल सेम है? हाँ। बनाने का प्राइस सेम नहीं है, स्टाइल स्टाइल दोनों का स्टाइल सेम, बिल्कुल सेम है, वही सेम मसाला है। चिल्ली में केवल ये टमाटो सॉस डालते हैं। अच्छा। और पोट लीवर में वो केवल चिली सॉस डालते हैं। चिली सॉस डालते हैं तो दोनों के स्वाद में डिफरेंस हो गया, एक नमकीन होगा हल्का, हल्का मीठापन आ जाएगा चिल्ली में, एकदम हल्का फ्लेवर में। अच्छा। और क्या प्राइसिंग है दोनों की? प्राइस है चिल्ली है 80 रुपये फुल प्लेट है, हाफ का 40 रुपये। अच्छा। और पोट लीवर है 90 रुपीज का फुल है, हाफ का 45 है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कितने बजे लगाते हैं सर आप ये शॉप? शाम को 5 बजे लग जाता है। शाम को 5 बजे और रात को कितने तक? 10 बजे तक रहता है, 10:30 बजे तक। और यहाँ का एक बार एड्रेस बताइएगा हमारे दोस्तों को। ये बिरसा चौक, आपको प्रॉपर बिरसा चौक हो गया। अच्छा। और ये हटिया स्टेशन जस्ट बगल में ही, रेलवे स्टेशन, रेलवे उसके गेट के सामने या कॉर्नर पे लगा चौक के साथ, स्टैचू के जस्ट बगल में ही, बिल्कुल। दोस्तों आपको एड्रेस वगैरह सारी डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल देखिए यहाँ पे जो हमारा कलेजी है, पोटा कलेजी, उसकी तैयारी मतलब हाफ डन तो पहले कर लिया था, मसाला तैयार कर लिया था, अभी इसका जो फाइनल स्टेज है वो पूरा किया जा रहा है, मतलब पूरी तैयारी की जा रही है। तो आइए दोस्तों बनते हुए पूरा देखते हैं। सबसे पहले इसमें मसाला डाल लिया गया है, और ये क्या ग्रेवी सी क्या डाली थी आपने? आपकी ग्रेवी बनाई हुई है? ग्रेवी बनाया हुआ, उसमें क्या डलता है ग्रेवी में? वो उसमें वही अदरक लहसुन का और प्याज का पेस्ट बना करके डाल के सारा पाउडर मसाला डाल के बॉइल किया हुआ रहता है। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपने सूखी ग्रेवी बनाई उसमें वो वाली ग्रेवी भी डाली, बहुत बढ़िया दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हमारा जो जो कलेजी और पोटा है ना वो भी तैयार हो रहा है धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल। तो ये अब उसमें डालेंगे। हाँ। तो ये हो गया तैयार दोस्तों हमारा लीवर, देखिए अच्छे से लीवर और पोटा दोनों फ्राई कर दिया गया है, और अभी ये जाएगा तवे के ऊपर। ये देखो, ये देखिए, ये आ गया दोस्तों तवे के ऊपर मसाले के साथ, बहुत बढ़िया। क्या डाला भैया? काली मिर्च पाउडर है, काली मिर्च पाउडर, और ये रहा जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, और ये गरम मसाला है, गरम मसाला, और ये चिकन मसाला, चिकन मसाला, बस। तो ये 3-4 तरीके के मसाले जाते हैं इसके अंदर, तो सब पानी डालना पड़ता है अंदर, चिपके नहीं मसाला, क्योंकि तवा हमारा काफ़ी गर्म है, बहुत गर्म हो चुका है। इसको ना देखिए अच्छे से, अब देखिए इसको पकाया जाएगा, हाफ कुक पहले किया हुआ था दोस्तों, और अब इसको ना फुल कुक करके ना बिल्कुल तैयार कर दिया जाएगा। और देखने में इसका जो टेक्सचर है दोस्तों फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे जैसे फाइनल स्टेज आएगा ना इसका, भाई पूरी रेसिपी जो है वो बिल्कुल बदल जाने वाली है। और थोड़ी सी ग्रेवी डाल रहे हैं, तो ये है दोस्तों इनकी ग्रेवी जो ये घर से बना के लाते हैं, और ये इसके ऊपर डालते हैं। तो ये ग्रेवी जो है इस पोट कलेजी के अंदर डाला जाता है, जिससे जो ये रेसिपी है वो पूरी तैयार होती है। प्याज गाढ़ा रहता है तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है,
बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की दोस्तों ये रेसिपी है, आपने कभी ट्राई किया ना तो हमें बताइएगा, क्योंकि मैंने तो कभी दोस्तों इसको ट्राई नहीं किया है कहीं भी, है ना, इस तरीके से ग्रेवी स्टाइल में पोटा और जो लीवर है उसको फ्राई किया हुआ। तो देखिए जो हमारी रेसिपी है ना धीरे धीरे पूरी होने लगी है, तैयार हो गई। अरे वाह क्या बात है दोस्तों, पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये थोड़ा सा निकाला गया है, हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ा सा पूजा करना, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों थोड़ा सा ना इसमें से निकाल दे, और देखिए इसको ना डोंगे में सर्व किया जाता है, आप देख रहे हो पत्तल के अंदर, पत्तल के हरे हरे पत्ते में हर रोज पत्ता आता है, ये रहा हाफ प्लेट। कुछ इस तरीके से डोंगे के अंदर निकाला जाता है, ये देखिए पत्तल का डोंगा है। यहाँ पे ना पूरे रांची में, जैसे मैं बता भी रहा हूँ आपको सारी वीडियोज में ना हमारी रांची की सीरीज में, कि डोंगे के अंदर ही सर्व किया जाता है, पत्तल का डोंगा होता है उसमें सर्व किया जाता है। देखिए ऊपर से डाला जाता है थोड़ा सा प्याज और इस तरीके से दिया जाता है। देखो अब देखिए दोस्तों, अभी अभी ये तवा पूरा भरा हुआ था और अभी लगभग 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और लोगों की भीड़ देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग लाइन लगा के खड़े हैं और लोगों के पास ना अभी ये पहुँचने भी लगा और लोग अपना जो फूड है वो भी इंजॉय करने लगे हैं ना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों। देखिए अभी 2 मिनट के अंदर ही जो तवा है ना वो आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है, देख रहे हो। तो भैया हमारी भी एक लगा दिएगा, छोड़िएगा नहीं। चलिए दोस्तों हमारा भी डोंगा लग चुका है, ये देखो फिलहाल हम एक चम्मच यहाँ रखते हैं, बाद में उठाएँगे। आइए पहले टेस्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके का है स्वाद। थोड़ा सा साइड आ जाता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे आते हैं। हाँ हाँ बनते हुए देख रहा था ना दोस्तों, मुंह में पानी आ रहा था किस तरीके से भैया ने पहले प्याज फ्राई किया, चिकन जो लीवर है पोटा है उसको अलग से फ्राई करके फिर एंड में मिक्स करके बना दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर से प्याज डाले जाते हैं और नीचे देखो अच्छे से ये हमारा पोटा और लीवर, क्या बात है, गर्मा गर्म है दोस्तों। तो आओ एक पीस लेते हैं और टेस्ट करते हैं। ग्रेवी जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सूखी हुई ग्रेवी सी है, लटपट वाली ग्रेवी जो होती है वो है, तो उसको टेस्ट करते हैं किस तरीके का। फ्लेवर माइल्ड है, मेन जो फ्लेवर आ रहा है ना दोस्तों इसमें वो ग्रेवी का कम आ रहा है बल्कि लीवर का ज़्यादा आ रहा है। अच्छी चीज़ है जब हम लीवर और पोटा खा रहे हैं ना तो उसको ओवर पावर नहीं कर रहा मसाला, है ना। ये देखो वैसे भी आप देख रहे हो कि मसाला जो है ना बिल्कुल बहुत कम है, है ना, गर्मा गर्म। स्नैक आइटम है दोस्तों, इवनिंग में आप आते जाते कभी भी इसको खा सकते हो। ऐसी आइटम नहीं है कि आपका पेट भरे, मगर हाँ टेस्ट लेने के लिए स्वाद लेने के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। अच्छी आइटम है, हल्का सा स्पाइसी है, हल्का सा जिसमें कि चिली सॉस डाला था ना इसके ऊपर से हल्का सा स्पाइसी हुआ, मगर जो टेस्ट है वो बढ़िया है, मज़ेदार है। तो इसको फिनिश करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों इसके मज़े लेता हूँ और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।